नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि बहुत जल्द मैं एक शंख से जुड़ी वीडियो अपने चैनल पर लाने वाला हूं, तो वो वीडियो आज आ गई है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि शंख रखने के आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक क्या क्या लाभ हैं, शंख कितने प्रकार के होते हैं, शंख को रखने की विधि क्या होती है और आप स्वयं शंख की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमारे पूजा पाठ से जुड़े वीडियोस लगातार ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले शंख के लाभ के बारे में बात कर लेते हैं कि शंख के धार्मिक क्या लाभ हैं। तो शंख जो है वो समुद्र मंथन में निकला हुआ था। कहा जाता है कि शंख से भगवान को स्नान कराने से घर में पापों का नाश होता है और साथ में शंख को बजाने से घर की निगेटिविटी खत्म होती है और जिस घर में शंख रखे जाते हैं उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही साथ वैज्ञानिक पक्ष को भी देखते हैं तो वैज्ञानिक पक्ष में सबसे पहले मिलता है कि शंख को बजाने में आपको श्वास की जरूरत पड़ती है, इसलिए आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। शंख को बजाने से चेहरे पर झुर्रियां खत्म हो जाती हैं क्योंकि चेहरे पर खिंचाव आता है। शंख को बजाने से घर में पल रहे फालतू के बैक्टीरिया जो होते हैं वो मर जाते हैं। इसी तरीके से शंख के अनेकों लाभ हैं। अब चलिए आपको दिखाते हैं शंख कितने प्रकार के होते हैं और आप शंख की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए यहाँ विभिन्न प्रकार के शंखों का संग्रह किया हुआ है और आज मैं सभी शंखों के बारे में आपको एक एक करके जानकारी प्रदान करने का प्रयास करूंगा। शंख की ध्वनि शुभ मानी गई है। प्रत्येक शंख का गुण अलग अलग माना गया है। कोई शंख विजय दिलाता है तो कोई धन और समृद्धि। किसी शंख में सुख और शांति देने की शक्ति होती है तो किसी में यश कीर्ति। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार शंख चंद्रमा और सूर्य के समान ही देव स्वरूप माने जाते हैं। इसके मध्य में वरुण, पृष्ठ भाग में ब्रह्मा और अग्र भाग में गंगा और सरस्वती का निवास माना जाता है। विज्ञान के अनुसार शंख समुद्र में पाए जाने वाले एक प्रकार के घोंघे का खोल है। विश्व का सबसे बड़ा शंख केरल राज्य के गुरुवायूर के श्री कृष्ण मंदिर में सुशोभित है, जिसकी लंबाई लगभग आधा मीटर है और वजन 2 किलोग्राम है। इस बार हम आपको बताएंगे ऐसे चमत्कारी और दैवीय शंखों के बारे में जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, शंख प्रायः 3 प्रकार के होते हैं, दक्षिणावर्ती शंख, वामवर्ती शंख और मध्यमवर्ती शंख। जिन शंखों का मुख दाईं ओर खुलता है वे दक्षिणावर्ती कहलाते हैं, जिन शंखों का मुख बाईं ओर खुलता है वे वामवर्ती कहलाते हैं और जिनका मुख मध्य में खुलता है वे मध्यमवर्ती शंख कहलाते हैं। तो मैं आपको दोनों शंख को कंपेयर करके दिखाता हूँ, आप ये देख सकते हैं। ये देखिए, इसका मुख जो है बाईं ओर खुल रहा है तो ये वामवर्ती शंख है और इसका मुख दक्षिण की ओर खुल रहा है तो ये दाहिनावर्ती शंख है। तो चलिए एक एक करके आपको इसकी पूरी डिटेल बताते हैं। तो सबसे पहले दक्षिणावर्ती शंख के बारे में शुरू करते हैं। दक्षिणावर्ती शंख को देव स्वरूप माना गया है। इस शंख को घर में रखने से खुशहाली आती है, लक्ष्मी प्राप्ति के साथ साथ संपत्ति भी बढ़ती है। इस शंख की उपस्थिति ही कई रोगों का नाश कर देती है। दक्षिणावर्ती शंख में रात में जल भरकर रख दिया जाए और सुबह उठकर खाली पेट उस जल को पिया जाए तो पेट के रोग जल्दी समाप्त हो जाते हैं। नेत्र के रोगों के लिए भी यह लाभकारी है। यह है वामवर्ती शंख। इसमें एक छिद्र होता है, इसकी ध्वनि से कीटाणु कमजोर पड़ जाते हैं और मरने लगते हैं। यह शंख आसानी से हर घर में मिल जाता है क्योंकि यह बहुतायत में पैदा होता है। यह शंख घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने में सक्षम है। इसके घर में रखे होने से आसपास का वातावरण भी शुद्ध होता है। तो दोस्तों, जैसा कि इसकी आकृति से दिख रहा है, यह है गणेश शंख। समुद्र मंथन के दौरान 8वें रत्न के रूप में सर्वप्रथम गणेश शंख की उत्पत्ति हुई थी। इसे गणेश शंख इसलिए कहते हैं कि इसकी आकृति हूबहू गणेश जैसी दिखती है। शंख में निहित सूंड का रंग अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य युक्त है। प्रकृति के रहस्य की अनोखी झलक गणेश शंख के दौरान मिलती है। यह शंख दरिद्रता का नाश करता है। श्री गणेश शंख का पूजन जीवन के सभी क्षेत्रों की उन्नति और विघ्न बाधा में शांति हेतु किया जाता है। तो दोस्तों, यह है देवदत्त शंख। यह महाभारत में अर्जुन के पास था, वरुण देव ने उन्हें यह भेंट स्वरूप दिया था। इसका उपयोग दुर्भाग्य नाशक माना गया है। माना जाता है कि इस शंख के उपयोग से न्याय के क्षेत्र में विजय मिलती है। न्याय क्षेत्र से जुड़े लोग इसकी पूजा कर लाभ प्राप्त करते हैं। इस शंख को शक्ति का भी प्रतीक माना गया है। इसे कहते हैं कामधेनु शंख। बहुत से स्थानों में इसे पंचमुखी शंख के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कामधेनु शंख की पूजा अर्चना करने से तर्क शक्ति प्रबल होती है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस शंख को कल्पना पूरी करने वाला शंख भी कहा गया है। कामधेनु शंख हर तरह की मनोकामना पूर्ण करने में सक्षम है। महर्षि पुलत्स्य ने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस शंख का उपयोग किया था। पौराणिक शास्त्रों में इस शंख के प्रयोग द्वारा धन और समृद्धि स्थायी रूप से बढ़ाई जा सकती है।
तो दोस्तों ये है कौरी शंख। ये बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का शंख है। इसको घर में रखने से भाग्य और समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। प्राचीन काल में शंख का उपयोग गहने, मुद्रा और पासे बनाने आदि में किया जाता था। कौरी को बहुत से स्थानों में कौड़ी भी कहते हैं। ये कौरी छोटे और बड़े सभी साइज में उपलब्ध होती है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने आपके लिए सभी प्रकार की कौड़ी का संग्रह किया हुआ है। ये देखिए जनरल कौड़ी जो आपको हर जगह मिल जाती है, ये पीली कौड़ी और ये है काली कौड़ी। इनका पूजन में अलग अलग विधान है। ये सफ़ेद कौड़ी है, तो इसके लिए कभी एक सेपरेट वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। तब तक आपको आगे लेके चलता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है मोती शंख। दोनों ही मोती शंख है, बस अलग अलग प्रजाति के हैं। इसकी घिसाई की गई और इसकी घिसाई नहीं की गई। जैसा कि नेचुरल ये समुद्र से निकलता है वैसा ही है। तो मोती शंख को कारखाने में स्थापित करने से आर्थिक उन्नति होती है। यदि व्यापार में घाटा हो रहा है, दुकान में आय की कमी है, तो एक मोती शंख आप दुकान में जरूर स्थापित करें। यदि मोती शंख को मंत्र सिद्ध व प्राण प्रतिष्ठा पूजा कर स्थापित किया जाए और जल भरकर लक्ष्मी के चित्र के साथ रखा जाए तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। गरुण के समान मुखाकृति होने के कारण इसे गरुण शंख भी कहते हैं। यह भी शंख अत्यंत दुर्लभ है। इस शंख को विपत्ति नाशक बोला गया है। अगर यदि आप इस शंख को अपने घर में स्थापित करते हैं तो आपके घर पर विपत्तियों से सुरक्षा होती है। तो चलिए आपको आगे बताते हैं कि आप स्वयं शंख की पहचान कैसे कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे बनावटी शंख उपलब्ध हैं, जिसके लिए आप एक अच्छी खासी रकम खर्च करके शंख ले आते हैं। बाद में वह नकली निकल जाता है और आपको लाभ भी नहीं होता है। इसके बाद आप दोष देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, शंख रखने की कोई भी लाभ नहीं है। तो इसलिए आपको मैं बताता हूं कि आप स्वयं शंख की पहचान कैसे कर सकते हैं और धोखाधड़ी से कैसे बच सकते हैं। YouTube पर इस समय फालतू के वीडियोस पड़े हुए हैं जिसमें दिखाते हैं कि शंख को चावल में रख देते हैं और स्वतः ही ऊपर आ जाता है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके नीचे से कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है जिसके कारण शंख जो है ऊपर आ जाता है। शंख में लोग दिखाते हैं कि इसमें दूध भर दिया जाता है और उसको निकालने के बाद वो फटने लगता है। तो शंख में नींबू का रस या किसी प्रकार के एसिड को डाल देते हैं जिससे दूध स्वतः ही फट जाता है। शंख के कारण ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और दिखाते हैं शंख के आसपास रखने से पुष्प खिल जाते हैं। ये सब हाथ की ट्रिक है, इसमें कुछ भी आप कभी इस पर विश्वास मत कीजिए। ये सब फालतू की चीजें हैं। आपको मैं आज जेन्युइन बताता हूँ कि आप शंख की पहचान कैसे कर सकते हैं। देखिए जैसा कि शंख को आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप ये धारी देखिए। आप ये धारी दिखेगी शंख में, सभी असली शंखों में धारी होती है। और आप अंदर की तरफ देखेंगे तो इसमें आपको दाग धब्बे दिखाई पड़ेंगे और इसको जब आप हाथ पर उठाएंगे तो इसमें आपको वजन महसूस होगा। सबसे बड़ी असली शंख की पहचान यही है कि वो बिल्कुल चिकना साफ सुथरा नहीं होगा। उसमें आपको अंदर की साइड आप कभी भी देखिएगा, अंदर इंटरनल हिस्से में जहाँ तक आप इस कैमरे की नज़र जा पा रही है, आप देखिए ध्यान से, आपको अंदर दाग धब्बे दिखाई पड़ेंगे और इस जोड़ पर भी आपको ये दाग धब्बे दिखाई पड़ेंगे। और कुछ शंखों में जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं लाल कलर की है, इनको प्रायः शंख की नसें बोला जाता है, पर ये नसें नहीं तो नेचुरल कलर होता है। ये देखिए इस तरीके से आपको ये दिखाई पड़ेगा। तो आप इससे भी पहचान सकते हैं कि शंख असली है या नकली। अब देखिए जैसे कि आप ये बिल्कुल चिकना शंख है, ये देखिए बिल्कुल आपको साफ सुथरा दिख रहा है, कोई किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं है। आप ये देखिए सब बनावटी चीज़ें हैं। ये देखिए अंदर का हिस्सा पूरा साफ है। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं और इसका वजन भी इसके आकार के अनुपात में कम है, इससे आप पहचान सकते हैं कि ये नकली शंख। और सबसे बड़ी और सबसे अच्छी पहचान आजकल के समय में ये है कि आप किसी भी महंगे शंख को लेते समय उसका लैब सर्टिफिकेट करा लें। आप किसी ऑथेंटिक शॉप को चुनें और वहाँ जाकर आप उससे लैब सर्टिफिकेट मांगे कि आप इस शंख का, जैसे कि अभी ये दक्षिणावर्ती शंख है मार्केट में 400 रुपये से लेके 4,000, 5,000, 10,000 महंगे महंगे बिकते रहते हैं। तो आप जब भी एक अच्छी खासी रकम इन्वेस्ट करें तो उससे पहले आप दुकानदार से लैब सर्टिफिकेट जरूर मांगें। सबसे अच्छा आपका यही पहचान का स्रोत है, इसलिए आप फालतू की चीज़ों में ना पड़ें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शंख के बारे में दिखाया कितने प्रकार के शंख होते हैं और आप शंख की पहचान स्वयं कैसे कर सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी शंख खरीदने जाएं तो किसी ऑथेंटिक शॉप को ही चुनें और उस शॉपकीपर से उसका लैब सर्टिफिकेट जरूर मांगें। अगर आप महंगा शंख खरीद रहे हैं तो उससे आप लैब सर्टिफिकेट जरूर मांग सकते हैं। हमारी भी शॉप कानपुर में है। आप इस चैनल के माध्यम से स्क्रीन पर दिए गए नीचे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, यहाँ से आपको ओरिजिनल और ऑथेंटिक शंख भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी क्रम में मैं आगे आपके लिए पूजा पाठ से जुड़े, धर्म अध्यात्म से जुड़े नए नए वीडियोस लाता रहूंगा ताकि आप धोखाधड़ी से बचे रहें और अवेयर रहें। तो दोस्तों अगर आपका पूजा पाठ से जुड़ा कोई भी सवाल है, आपको किसी चीज की पहचान करनी है, रत्न है, रुद्राक्ष है, माला है, शंख है, यंत्र आदि, या आपको किसी मंत्र की जानकारी लेनी है, ज्योतिष से जुड़ा कोई भी सवाल है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उस पर एक सेपरेट वीडियो जरूर लेकर आएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इसे न भूलें। धन्यवाद।